So in today's video, I'm gonna tell you that how did Fee adopted his pet, and it's like a very emotional story behind it. Hope you will definitely enjoy the story. सो ये स्टोरी शुरू होती है जब मैं और मेरी बहन साइकिलिंग पे गए हुए थे। जब हम साइकिलिंग से वापस आ रहे थे तो हमें एक डॉग मिलता है जिसकी पैर में इंजरी हो रखी होती है। वो बहुत रो रहा होता रोड पे। फिर मैं सोचती कि इसको हम घर लेके जाएं या ना लेके जाएं। फिर मेरी दीदी बोलती है चलो ले ही चलते हैं इसे घर पे। फिर हम इसे घर पे लेकर जाते हैं। उसके बाद मम्मी जो होती हैं वो बहुत गुस्सा होती हैं हम पे, बोलती हैं नहीं इसको वापस रखे हो, बहुत मेहनत लगती है डॉग को पालने में। फिर हम इसका बाहर ही एक छोटा सा प्यारा सा घर बनाते पत्थरों से ताकि ये वहाँ पर सेफ रह सके। फिर मम्मी इसके लिए प्यारा सा बाउल ला के देती ताकि इसमें खाना खा सके। फिर हम इसके लिए ब्लैंकेट भी लेके आते, इसमें आइए आराम से सो सके, इसको ठंडी ना लगे। फिर हम लोग इसको छोड़ने जाते एक मिलिट्री हॉस्पिटल के पास ताकि वहाँ पर ये सेफ रह सके। बट वहाँ पर भी जो डॉग्स होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं इसको काटने के लिए। फिर प्यारा सा मुँह बनाता है और दौड़ दौड़ हमारे पीछे हमारे घर तक आ चुका होता है। और उसके बाद हम लोग तो कहीं जा रखे होते, लाइक हमारा क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रखा होता है उस टाइम पे, तो हम लोग वहाँ पे गए होते हैं। फिर जब हम वापस आते तो पापा हमारे घर पे आ चुके होते हैं। तो पापा कहते हैं कि देखता हूँ मैं डॉग कैसा है। पापा डॉग को देखते हैं तो उनको बहुत प्यारा लगता है। फिर पापा क्या कहते हैं कि हम इस डॉग को एक्सेप्ट कर लेते हैं। पापा वेटरनरी शॉप पर लेके जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। फिर इसको ज़्यादा नाम्स देते हैं हम लोग। इतने प्यार प्यार नाम देने के बाद ये फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको हम लोग। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग इट।